One. Maam, कितने करवाते ही जा रहे हो करवाते ही जा रहे हो आपसे चैप्टर नहीं खत्म हो रहा Guys, इसके बाद आई बिलीव एक लास्ट टॉपिक बचेगा द कॉस्ट दैट इज यूज्ड इन मेकिंग द डिस ठीक है वो डिसीजन मेकिंग कॉस्ट है बस वो लास्ट तरीके की है बस इस चैप्टर का ये फायदा है कि तुम्हें सारी तरीके की कॉस्ट पता चल जाएगी तो जब तुम बाकियों के चैप्टर्स करोगे तो तुम्हें फिर से देख के नहीं आना पड़ेगा कि भाई कौन क्या मतलब है इस कॉस्ट का ठीक है ये एग्जाम्पल्स के साथ समझ लो सो दैट आगे बारह चैप्टर्स में तुम्हें फिर से ये कभी ना सोचना पड़े कि भाई कॉस्ट क्या थी भाई ये बताइयो यार इसका बेसिक मतलब नहीं आता मुझे ठीक है ये कंफ्यूजन मत रखना एटलीस्ट अपने दिमाग में नाउ टूडे टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बहुत ईजी टॉपिक है तुमने इको में सारी की सारी कॉस्ट ऑलरेडी करी हुई है ठीक है तो जिस बच्चे की क्लास ट्वेल्थ में इको स्ट्रॉन्ग थी उसे आज बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है कैसे मिलेगा मैं बताती हूँ ठीक है इंट्रोडक्शन में क्लासिफिकेशन होता क्या है क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने कॉस्ट को ग्रुप करते हैं अंडर डिफरेंट Heads. तो हम आज ऐसे पढ़ने वाले हैं आज तुम्हें कौन सा फ्लो चार्ट बनाना है क्लासिफिकेशन ऐसे अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ दिस दिस इसके 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 दो 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 टाइप 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 है 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 ठीक ऐसे तुम एंड ऑफ द वीडियो ये फ्लो चार्ट रेडी रखना तुम्हारे पास अभी एक सिलेबस का पेज भरा होना चाहिए एक मैंने तुम्हें जॉब एंड प्रोसेस कॉस्टिंग में बोला था और एक मेथड्स का ठीक है अब तुम्हारा फोर्थ पेज होना चाहिए क्लासिफिकेशन का तो गाइज ऐसे छोटे 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 नोट बनाते रहो अपने लिए क्लासिफिकेशन मैम इंट्रोडक्शन क्या दे रहे हो पॉइंट पे आओ बकवास बंद करो आई नो सबका यही एक्सप्रेशन होगा बट ठीक है सबसे पहले आते हैं हम क्लासिफिकेशन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ठीक है दो तरीके की कॉस्ट होती है पहले क्लासिफिकेशन के अंडर विच इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड विच इज इन डायरेक्ट कॉस्ट तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है एक ट्रेलर हूँ क्या हूँ एक ट्रेलर कह रू सॉरीर हूं ठीक है अब मुझे एक ट्राउजर बनाना है क्या बनाना है पैंट बनाना है यार मैम अंग्रेज बनना बंद करो पैंट बनाने है, अब इस पैंट बनाने इस को कितना कपड़ा लगेगा कितना मटेरियल लगेगा दैट इज द डायरेक्ट कॉस्ट दैट इज द डायरेक्ट कॉस्ट तो मैं डायरेक्टली बता सकती हूँ कि इस प्रोडक्ट को बनने में जितना मटेरियल लगेगा तो क्या मुझे बहुत ही मुश्किल हुई ऑब्वियसली मैम कुछ नहीं होगा टेलर क्या करेगा मीटर बता देगा आपको कि इतना मीटर कपड़ा लगा उसे कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देगा तो उसकी वो डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी ठीक है तो इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसमें बहुत ही ईजी था पता चल रहा है कि डायरेक्टली मैं अपने प्रोडक्ट से दिखा पा रही हूँ कि हाँ मैम ये आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड है अब एक और एग्जाम्पल देती हूँ टेलर के पास एक बहुत ही सुंदर मशीन है ठीक है क्या है एक बहुत ही सुंदर मशीन है जो वो अपने हर क्लाइंट के लिए यूज करता है से उसकी वो पैकिंग मशीन है क्या है वो पैकिंग मशीन है अब उसने ये पचास हजार डॉलर की मशीन खरीदी थी अब मुझे बताओ उस ट्राउजर में ये पचास हजार डॉलर का कितना कंट्रीब्यूशन है कैन यू टेल ऑफ कोर्स नहीं मैम ऐसे कैसे बता दूं हजार का फिर आप बोलोगे डेप्रिसिएशन कितना लगा है उसको हिसाब से तो दिस बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि मैं एक प्रोडक्ट पे वो कॉस्ट बताओ ठीक है दैट इज दी इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली तो नहीं लगी वो ट्राउजर को बनाने में बट इनडायरेक्टली वो लगी है ठीक है तो दैट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है कॉस्ट दैट कैन इजिली एंड कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई तो बहुत इजिली हमने अपने ट्राउजर में कपड़ा बता दिया था विद यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और अदर कॉस्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वेजेस लेबर ये सब बहुत इजी होते हैं आइडेंटिफाई करना एंड दे आर कॉल्ड एस डायरेक्ट कॉस्ट टू बी स्पेसिफिक लेट्स से एक मशीन है राइट right? उस मशीन को बनाने में कितना स्टील लगा है ये तो मैं बता सकती हूँ दैट इज वेरी इजली मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि मैम इतना टन स्टील लगा है इतना स्टील लगा है राइट तो दैट इज मटेरियल की कॉस्ट विच इज डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है जनरल कॉस्ट दैट आर इनकर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ सेवरल कॉस्ट यूनिट एक ऐसी कॉस्ट एक ऐसी जनरल कॉस्ट जो मेरे अलग अलग प्रोडक्ट्स पे मेरी हेल्प करने वाली है अलग अलग प्रोडक्ट्स पे मुझे बेनिफिट्स देने वाली है जैसे हमारे एग्जांपल में पैकिंग मशीन जैसे हमारे एग्जांपल में पैकिंग मशीन ठीक है ये आइडेंटिफाई करना कि उस ट्राउजर में उस मशीन का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था उस मशीन की कितनी कॉस्ट आइडेंटिफाई करो वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है एग्जाम्पल डेप्रीसी ऑफ अ मशीन अ मशीन जो हम स्टिचिंग के लिए यूज करते हैं हमारे एग्जांपल में पैकिंग के लिए यूज हो रही थी एक पेयर ऑफ ट्राउजर पे कितनी करूँ कितनी कॉस्ट डालू इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ठीक है अब तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है गैस ये बहुत ही फेमस बंदा है ठीक है सबको पता होगा रिसेंटली ये बहुत ही फेमस हुआ था मी जो ये चाय में मिल्क यूज कर रहा था You know, कॉमेंट्स पढ़ के मैम आंसर पढ़ा था तो हमने बोल दिया नहीं प्लीज बताओ खुद का दिमाग लगा के जो ये चाय में मिल्क यूज कर रहा है वो उसके लिए डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है ठीक है आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स नाउ सेकेंड कैटेगरी पहली कौन सी हो गई मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट अब आती है फिक्स्ड कॉस्ट कॉस्ट एंड वेरिएबल इसमें मुझे पता है तुम्हें आता है बट इसे चीजें ध्यान से सुनना फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब होता है ये कॉस्ट तो फिक्स है मतलब ये कॉस्ट तो इनकर होगी ही होगी चाहे तुम यू नो प्रोडक्शन करो या ना करो दिस इज फिक्स फॉर एग्जाम्पल रेंट ठीक है अब मुझे ऑफिस चलाने के लिए एक सुंदर सी बिल्डिंग चाहिए गुड़गांव में साइबर हब में तो उस बिल्डिंग का रेंट जाएगा ही जाएगा वंस यू आर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट चाहे अब इसमें तुम एक एम्प्लॉय बैठाओ दो इम्प्लॉय बैठाओ तीन एम्प्लॉय बैठाओ उनसे पार्टियां करवाओ उनसे काम करवाओ ये तो अब रेंट जाएगा ही जाएगा ठीक है सिमिलरली फैक्ट्री का रेंट अब तुम अगर प्रोडक्शन स्टार्ट करो तो तुम्हारी मर्जी ना करो तुम्हारी मर्जी तुम्हारे इंप्लॉयि तुम्हारे वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनकी मर्जी वो नहीं कर रहे उनकी मर्जी बट फैक्ट्री का तो रेंट जाएगा ही जाएगा वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट इज अस्ट जो वेरी करेगी विद द नंबर ऑफ यूनिट्स विद द नंबर ऑफ यूनिट्स अगर तुमने सौ ट्राउजर बनाया है तो कॉस्ट ज्यादा होगी बट अगर तुमने हजार बनाया तो कॉस्ट और ज्यादा होगी राइट सो इट वेरीज डायरेक्टली विद द प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ एक फैक्ट्री का एग्जाम्पल फैक्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए लेट्स से हमने एक फरीदाबाद में बड़ी सी फैक्ट्री ली है कहा ली है फरीदाबाद में एक बड़ी सी फैक्ट्री ली है जहाँ पे हमारा बिजनेस आइडिया था कि मैम हम ट्राउजर्स बनाएंगे क्या बनाएंगे ट्राउजर्स बनाएंगे इस फैक्ट्री की कैपेसिटी हंड्रेड इंप्लॉइज है हंड्रेड फैक्ट्री वर्कर्स है आप वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि मैम अगर आप सौ ट्राउजर बनाते हो तो सौ की मटेरियल लगेगा सौ वर्कर्स लगेंगे ठीक है और वेरी मतलब और ओवर हेड्स डायरेक्ट ओवर लगेंगे आप दस हजार रहेगा लैंड लॉर्ड आके ये थोड़ी ना बोलेगा आप सौ के हजार बना रहे हो चलो मेरा रेंट भी पचास हजार कर दो नहीं ठीक है तो अगर कैपेसिटी हंड्रेड की है और हम उसमें ऑपरेट कर रहे हैं तो रेंट हमारा फिक्स रहेगा रेंट हमारा फिक्स रहेगा अब तुम्हारे पेपर में एक तुम डायग्राम बनाकर आओगे टू इम्रेस एग्जामिनर कैसे आई टेल यू वेरिएबल कॉस्ट का क्या डायग्राम बनता है सुनो नंबर ऑफ यूनिट्स वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लेट्स से मैं रेंट की बात कर रही हूँ तो वो तो सेम रहेगी बीस हजार बीस हजार बीस हजार बीस हजार फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गई यहाँ पे बताओ दिस डिवाइडेड बाय दिस ट्वेंटी के दिस डिवाइडेड बाय दिस टेन के ट्वेंटी डिवाइडेड बाय थर्टीन ट्वेंटी डिवाइडेड बाय थ्री डेसिमल्स पे आएगा ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फोर फाइव थाउजेंड तो ये क्या हो गई आपकी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ठीक है एक यूनिट में फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, है ठीक तो तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, तुम्हें यहां से क्या पैटर्न समझ में आ रहा तो है कैसे यहाँ पे मैं बात करती हूँ आपके टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की यहाँ पे मैं बात करती हूँ फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट की तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट तो कांस्टेंट थी तो ये कॉस्ट और ये प्रोडक्शन यूनिट्स और ये यूनिट्स और ये कॉस्ट और यूनिट्स तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिर रही थी एज द नंबर ऑफ यूनिट्स वर राइजिंग तो ये हो गया आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का डायग्राम अब आता है वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट क्या कहते हैं अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट वन टू थ्री फोर फाइव देखो पच्चीस का मटेरियल लगना है और पच्चीस की लेबर लगनी है अब अगर मैं से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पहले लग पर यूनिट मतलब एक ट्राउजर को बनाने के लिए भी पचास लगेंगे पचास, पचास पर यूनिट सेम रहेगा, बट अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने को आऊ तो वन इंटू फिफ्टी फिफ्टी टू इंटू फिफ्टी हंड्रेड थ्री इंटू फिफ्टी वन फिफ्टी तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो कांस्टेंट है बट वेरिएबल टोटल कॉस्ट राइज हो रही है ठीक है तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइन तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या हो रही है राइज हो रही थी बट पर यूनिट हमारी सेम है तो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट योर वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट थ्रू अ डायग्राम है ना एग्जांपल अब इसका थोड़ा एग्जाम्पल समझ लेते हैं लेट्स से ये फिक्स कॉस्ट है ऑफिस सुंदर सा ऑफिस तो ये इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगी अगर हमारी यहाँ पे सौ यूनिट बने या हजार यूनिट बने बट फिक्स पर यूनिट डिक्रीज और इंक्रीज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ये बड़ा पाव गर्ल आजकल तो बिग बॉस में भी आ गई है बॉस वेरी 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 फेमस तो इसके लिए वेरिएबल कॉस्ट क्या है ये पाओ ठीक है अब अगर इसको पता है आज हजार कस्टमर आएंगे तो मैं हजार पाव खरीदूंगी एंड हेंस माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल राइज राइट बट अगर पता है आज सिर्फ एक ही कस्टमर आना है तो वो एक पाव खरीदे तो दिस डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स अच्छा गाइस हेयर इज अ न्यू अंसेप्ट जो तुम्हारी बुक में गिवन है एक बार समझ लो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता तुम्हारे एक टर्म यूज होती है रेलिवेंट रेंज देखो फिक्स एक बैंड तक सेम रहेगी फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैंने ऑफिस लिया है उसकी कैपेसिटी अगर सौ एम्प्लॉय है तो फिक्स कॉस्ट वो सौ एम्प्लॉय तक ही फिक्स रहेगी एज soon एज एक वन हंड्रेड एंड वन एम्प्लॉय हो जाते हैं मेरी फिक्स कॉस्ट राइज हो जाएगी ठीक है तो इसे कहते हैं हम रेलिवेंट एज ऐसी रेंज जहां पे ये वाला फंडा वैलिड है कि आप यूनिट बढ़ाते रहो फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी बट अगर इस रेंज से बाहर चली जाती हूं तो मेरी फिक्स्ड रेंज भी इंक्रीज हो जाएगी ऑब्वियसली ना तुम एक फैक्ट्री में हजार एम्प्लॉय तो नहीं घुसा सकते ना एक लिमिट तक ही घुसा सकते हो अपने एम्प्लॉयज राइट right? एक फैक्ट्री में सो इज द रेलिवेंट रेंज रेंज जहां पे हमारा ये फंडा कॉस्ट सेम रहेगी वो वैलिड रहता है ठीक है तो अभी तक कौन कौन सी कॉस्ट की डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट आई होप सबको समझ में आ रहा होगा द थर्ड इज द प्रोडक्ट कॉस्ट एंड द पीरियड कॉस्ट ओके

कस्टमर आ रहे हैं या नहीं आ रहे दैट इज कॉस्ट ये एक नेसेसरी कॉस्ट है जो आपको इंकर करनी पड़ेगी चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो चाहे आप उसमें खाना बनाओ या नहीं बनाओ ठीक है प्रोडक्ट कॉस्ट कहा जाती है गाइज अगर आज मैं आलू खरीद के लाई हूं तो ये बैलेंस शीट में शो होगी या पी एंड एल में शो होगी बताओ मैम अगर आपने ये माल बेचा मतलब आपने चिली पोटैटो बेचा तो, तो वो आपकी कॉस्ट बन के पी एल में जाएगी बट अगर आप उसे अगले दिन यूज करने वाले हो आलू आपका बच गया और आप अगले दिन यूज करने वाले हो तो वो इन्वेंट्री एज अ रॉ मटेरियल बन के आपकी बैलेंस शीट में जाएगी बट जब पीरियड कॉस्ट की बात आती है लेट से रेंट तो मैम वो कहा जाएगा आपका एल में जाएगा ठीक है नाउ लेट्स कम टू category which इज कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल नाम से ही समझ में आ रहा है बस थोड़ी अक्ल की जरूरत है डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया fixed variable हो गया और पीरियड और प्रोडक्ट हो गया ठीक है अब आती है कंट्रोलेबल एंड uncontrollable कॉस्ट कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है जो मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती है जो मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती है मतलब कैसे मैम रॉ मटेरियल लेट से हम सप्लायर ए से ले रहे थे जो हमें हजार रुपए का दे रहा था अब मैंने कहा मैं बी से लूंगी जो हमसे नौ सौ का देगा जो हमें नौ सौ का देगा तो आई केड कंट्रोल दिस कॉस्ट और आई कैन से मैम ए कह रहा है कि अभी आप सौ यूनिट्स ले रहे हो तो मैं तुम्हें हजार का दे रहा हूं अगर आप मेरे से दो सौ लोगे तो मैं तुम्हें आठ सौ का दूंगा सो दैट इज अंडर द अथॉरिटी ऑफ मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट डिसाइड कर सकती है कि हमें सौ यूनिट्स लेना है या दो सौ यूनिट लेना है एंड हेंस मेरी कॉस्ट कंट्रोल में आ सकती है दैट इज कंट्रोलेबल कॉस्ट नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है जो इंफ्लुएंस नहीं होने वाली जो बहुत ही जिद्दी है जो बिल्कुल किसी से नहीं मानने वाली फैक्ट्री रेट ठीक है मैम ये नॉन कंट्रोलेबल है एक बार डिसाइड हो गया तो आप इसका क्या करोगे फैक्ट्री छोड़ के बैठ जाओगे नहीं ठीक है नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट विच कैन नॉट बी एक्शन ऑफ़ अ स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ़ एंटरप्राइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल कॉस्ट लाइक फैक्ट्री सैलरीज ओके द फिफ्थ कैटेगरी इज कौन कौन सी हो मैम डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिक्सड वेरिएबल पीरियड एंड प्रोडक्ट और कंट्रोलेबल एंड बल अब आती है हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड प्री डेटर हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड हमेशा याद रखोगे कुर्सी इसे याद करने के लिए क्या याद रखोगे कुर्सी सबने डियर जिंदगी देखी है डियर जिंदगी में एक वो बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाता है विद द एग्जाम्पल ऑफ कुर्सी ये किस किसने डियर जिंदगी देखी है एक बार वो आंसर के साथ ये भी लिख देना ये फॉर डियर जिंदगी ठीक है तो डियर जिंदगी में वो कुर्सी के साथ बहुत सुंदर कंसेप्ट तो वो ही हमें याद रखना है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉस्ट क्या होती है है एक्चुअल ठीक तुमने अकाउंटेंसी में भी पढ़ा होगा क्लास ट्वेल्थ में अगर अकाउंट्स पढ़ के आए हो तो ठीक है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट से हमारा पूरा बैलेंस शीट ये सब बनता है हिस्टोरिकल कॉस्ट इज नथिंग बट दी एक्चुअल कॉस्ट एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ लेट्स एक कंपनी है जो फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर है, ठीक है अब उन्होंने बैच बनाया एक चेयर्स का तो उसमें एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी वो इतने का लगा लेबर कॉस्ट इतने की लगी डेप्रीसिएशन इतने का लगा तो एक्चुअल में वो चेयर कितने की बन के आई हजार की कितनी बन के आई हजार की ये मैं कब देख पा रही हूँ जब प्रोडक्शन हो चुकी जब प्रोडक्शन हो चुकी जब चुकी, जब चेयर बन प्रोडक्शन एक्चुअल में कितना पैसा लगा मुझे उस प्रोडक्ट को बनाने में प्री डेटरमाइन प्री मतलब पहले पहले तो थोड़ा दिमाग लगाओ प्री डेटरमाइन कॉस्ट क्या होता है जो हम एस्टिमेट करते हैं क्योंकि अभी हमें हमने चेयर बनाई तो है नहीं तो ये एस्टिमेशन पे होगा ये सब एस्टिमेशन पे होगा सो दिस इज दी एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट कि वो चेयर कितने में बन सकती है तो हमने क्या बोला एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ वुड इतनी है मैम लेबर इतने की लग सकती है ओवरहेड इतने की लग सकती है तो हंड्रेड एंड टेन में आपकी चेयर बन के आ जाएगी तो दैट वॉज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी थाउजेंड मैम आपने इतना टाइम वेस्ट क्यों किया ये कॉस्ट निकालने में क्योंकि बेटे आपको प्लानिंग करनी है आपको बजट्स बनाने हैं ठीक है आपको आगे देखना है कि आपके पास कितने का माल है कितने पैसे चाहिए सो विल बी डन थ्रू ओके एंड नाउ द लास्ट और नॉर्मल एंड दॉर्मल कॉस्ट मैम हम नॉर्मल सिचुएशन पे जब घर पे रहते हैं, बहुत ही चिल रहते हैं बट जब अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं तो हम पागल हो जाते हैं तो दाते हैं नॉर्मल ठीक है नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है कि अगर सब चीजें भगवान की देन से सही रही फैक्ट्री में लोग आ रहे हैं काम कर रहे हैं और जा रहे हैं दैट इज नॉर्मल मटेरियल लग रहा है लेबर लग रहा है ठीक है हो गया मैम एक दिन बेचारे फैक्ट्री में आए आग लग गई क्या लग गई आग लग गई तो बहुत सारा माल चल गया मैम हम डेली यूरोप माल बेच रहे थे मैम वॉर हो गया एक्सचेंज रेट्स बढ़ गए ठीक है दैट इज एबनॉर्मल कुछ सर्कमस्टिस बहुत ही एबनॉर्मल हो गए तो उनके लिए अलग से कॉस्ट करनी पड़ी दैट इज एबनॉर्मल कॉस्ट तो नॉर्मल कॉस्ट क्या है जो आप नॉर्मली इंकर करते हो फॉर दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एबनॉर्मल क्या है जो थोड़ा नॉर्मल नहीं होती ठीक है एंड वो कहा चार्ज होती है पीएनएल में चार्ज होती है एज अ बताओ कैसे चार्ज होती है हम पी में एबनॉर्मल कॉस्ट को कैसे चार्ज करेंगे देखो एबनॉर्मल कॉस्ट सिचुएशन मैंने बना दी आग लग गई सोचो और बताओ मुझे द लास्ट आई नो ये लास्ट है लास्ट है लास्ट है पक्का द कमिटेड एंड द डिस्क्रिशनरी कॉस्ट कमिटेड कॉस्ट क्या है ये तो इंकर करना ही पड़ेगा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलू मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में आयो कि मैम जब तक आपकी फर्म लिक्विडेट नहीं होती आप मुझे नहीं निकाल सकते आपको मुझे सैलरी देनी पड़ेगी तो ये तो कमिटेड है ये तो आप कमिटेड है मतलब इसे पैसे देने ही पड़ेंगे इसे सैलरी देनी ही पड़ेगी ठीक है दिस इज अनबल दिस इज अनबल फाइन डिस्क्रिशनरी क्या है आप अवॉइड कर सकते हो मैम 2024 में बहुत ही तगड़ा खर्चा हो गया तो लेस ने डिसाइड किया कि हम एडवर्टाइजिंग नहीं करते सो so दैट हम अपनी कॉस्ट को कम कर सके सो दिस इज कॉस्ट दैट कैन बी अवॉइडेड बाय दी मैनेजमेंट सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ परमानेंट कॉस्ट एंड दिस इज सम कॉस्ट ऑफ टेंपरेरी कॉस्ट ठीक है टेंपरेरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैम कोक वो निकालने वाला है कोई नया तो इस साल उसका बहुत ज्यादा खर्चा हो गया तो उसने बोला चलो नेक्स्ट ईयर हम पोस्टपोन करते हैं नया प्रोडक्ट ठीक है सो दैट इज अवॉइडेबल दैट इज पोस्टपोन डिस्क्रिशनरी मतलब परमानेंट नहीं है तुम्हारे सर पे कोई तलवार ही नहीं लटक रही कि तुम्हें करना ही करना ठीक है तुम्हें कॉस्ट ही करनी है नो देर इज नो तलवार ऑन योर हेड फाइन सो दैट इज द डिस्क्रिप्शनरी कॉस्ट तो ये था आपका आज का लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल कमिटेडरी नॉर्मल एड नॉर्मल हिस्टोरिकल प्री डेटामबल एंड कंट्रोलेबल पीरियड एंड वेरिएबल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तो छह क्लासिफिकेशन आपकी पेपर के लिए जरूरी है ठीक है द बेस्ट वे टू रिमेम्बर एंड अंडरस्टैंड आप इसे एग्जाम्पल्स के साथ याद रखो यू विल बी एबल टू लर्न इट

Following. So that's it for this particular video. Thank you so much for watching it till the end. Bye bye. Take care. All the best.